सरसाज है आज यहाँ विश्व संगीत का आवाज यहाँ सरसाज है आज यहाँ विश्व संगीत का आवाज यहाँ हर दिल में है लैसे धड़कन ओत प्रोत है ये उत्सव स्वर की बूंदों में भीगे हम है प्रिसिजन संगीत महोत्सव है प्रिसिजन संगीत महोत्सव नटेश्वर भी नाचते हैं दंग रंग का यहाँ बजे दंग नटेश्वर भी नाचते हैं दंग संगीत है सदा प्रिय ईश्वर को मिले स्वर्ग सा यहाँ अनुभव स्वर्गीय बूंदों में भीगे हम है प्रिसिजन संगीत महोत्सव है प्रिसिजन संगीत महोत्सव है प्रिसिजन संगीत महोत्सव मित्र हो प्रिसिजन संगीत महोत्सवाच्या 8व्या वर्षाचा समारोप त्या समारोपाच्या सत्राकडे आपण वळतो आहोत आणि आत्ताचं हे सत्र साजरं करणार आहेत पंडित रोणू मुजुमदारजी जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करूयात खरं म्हणजे रोणू मुजुमदार एवढं नाव पुरेसं असतं बाकी कुठलाही परिचय करण्याची आवश्यकता नाही पण 1981 साली त्यांना पहिल्यांदा राष्ट्रपती सुवर्णपदक मिळालं होतं तिथून जी चढती कमान आहे त्यांची ती कायम राहिलेली आहे पंचमदा तथा आर डी बर्मन यांच्यासोबत त्यांनी इतकं काम केलेलं आहे की त्या अनेक गाण्यांच्या बॅकग्राऊंडमध्ये आपण त्यांना ऐकलेलं आहे अशा रोणूजींचं स्वागत करण्यासाठी मी मंचावरती आमंत्रित करतो प्रिसिजनचे कार्यकारी संचालक करण शहा यांना अ मोमेंट इन टाईम अलका रघुवंशी यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक त्यांच्यासोबत तबल्यावरती साथसंगत करतात अरविंद कुमार आझाद बनारस घराण्याचे ते तबलावादक आहेत सोलापूरशी त्यांचा खूप संबंध आला होता ताल निनादच्या वेळेला रविशंकर यांच्या ताल निनाद जो मोठा कार्यक्रम झाला एकाच वेळेला 1500 वादकांनी तबलावादन केलेलं होतं त्याचं सगळं सिलेबसपासून ऑर्गनायझेशनपर्यंत अरविंद कुमार आझाद यांनी पाहिलेलं होतं त्यामुळे त्यांचा सोलापूरशी संपर्क आलेला आहे किशन महाराजांचे ते शिष्य आहेत मी मयुराज दावडा शहा यांना विनंती करेन कृपया मंचावरती या आणि अरविंद कुमार आझाद यांचं स्वागत करा रोणूजांसोबत सहवादन करतायत त्यांचे शिष्य कल्पेश साचला त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी डॉक्टर किरण चितळे यांना मंचावरती आमंत्रित मयुरा दावडा शहा यांनीच त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती करेन रोणूजांचे शिष्य आहेत कल्पेश साचला धन्यवाद मित्र हो ही औपचारिकता इथेच थांबून या पुढची सूत्र मी रोणूजांकडे सुपूर्त करतो आहे अभिजात्य संगीत शास्त्रीय संगीत को जो भी प्रमोट करते हैं वो बधाई के पात्र होते हैं प्रिसिजन ग्रुप का बहुत योगदान है मैं पहले भी आया हूं
ये हमारी परंपरा ही नहीं, हमारा बैंक बैलेंस भी है। बैंक में रखना पड़ेगा ना कुछ, नहीं तो बैंक खाली हो जाएगा, जीरो बैलेंस में नहीं चलेगा, बैलेंस अच्छा चाहिए। और वो बैलेंस रखने के लिए ये प्रिसिजन ग्रुप बना है कि बैंक बैलेंस अच्छा रहे। बैंक में कभी इमोशन भी रखते हैं, कभी परंपरा भी रखते हैं, इसमें परंपरा रखते हैं हम लोग, ताकि आने वाले समय में अच्छी बंदिशें ढूंढने के लिए सिलिकॉन वैली ना जाना पड़े। क्या बात है, क्या बात। मोनिटाइजेशन जरूरी है आज के जमाने में। प्लीज, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं तो प्रिसिजन के साथ में है ना, देख के तुझको आंखों को अब ऐसा लगता है, हर चेहरे में कुछ कुछ तेरे जैसा लगता है, जिसको भी मैं ध्यान से देखूं तू बन जाता है, तुझ पर प्यार बहुत आता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, तबले के एक नायक, एक स्टाइल मेकर, तबले में एक गाने वाले, तबले को दिल से गुदगुदा देने वाले, तबले को दिल से, जो बोलते हैं ना कि दिल में कहीं खुशी दर्द प्यार उमड़ आए, वो अरविंद आज़ाद आज हमारे साथ बैठे हैं। इनका बायां दायां गाने लगता है और फिर उसके साथ हम बजाने लगते हैं, सीधी सी बात है। तो इस आनंद के साथ मैं कल ही आ गया हूँ और कल के डिनर से ही मूड बना हुआ है। नागेश लामी खूब प्यार आणि प्रेम देतो, थैंक यू। आणि ते जे काम करतात ते फार मोठा आहे आणि मला खूप आवडला त्यांचा आयडिया आणि त्यांचा जे कन्सेप्ट आहे, वेगळे वेगळे इन्स्ट्रुमेंटचं तुम्हाला दर्शन करवतात ते। दिस इज व्हेरी गुड वर्क ऑनेस्टली। केपिटा आय विल स्टार्ट विथ ए व्हेरी वन ऑफ माई, खूब मुझे पसंद जो है, फेवरेट राग जो लुप्त हो रहा है फेमस होते हुए भी, क्योंकि जयजयवंती में तीन अंग से बसता है। साउथ वाले, कर्नाटक वाले भीमपलासी अंग से जयजयवंती गाते हैं और बाकी 99 देश अंग से गाते हैं, मैं बागेश्वरी अंग से बजाता हूँ। और फयाज खान साहब बागेश्वरी अंग से गाते थे और बहुत कम लोगों को आप सुनेंगे। ये लुप्त जैसा हो रहा है तो मैंने इसको ही रास्ता चुना, मैंने सोचा कि इस अंग को मैं बजाऊं और मेरे नाम से ये पॉपुलर हुआ। आज मेरी इच्छा हो रही है, मैंने कल से क्या क्या राग हुआ पूछ लिया ताकि आपको नया सुनने को मिले। कम से कम राग रिपीट नहीं होना चाहिए फेस्टिवल में, ये भी मेरे गुरुजी सिखाते थे, पंडित रविशंकर जी, भारत रत्न, वो सब डायरी में लिख के रखते थे कहाँ कौन सा राग बजाया, तो फिर दूसरे साल वो नहीं बजाऊं तो इतनी तालीम कहाँ जाएगी। फिर आलाप जोड़ झाला मैहर का जो ट्रेडिशन है, जो द्रुपद से आया है, वो करेंगे और तत्पश्चात रूपक में दो बहर की बंदिश बोलते हैं, मगर वो धमार जैसी लगती नहीं। और जब तबला सोलो चलते हैं तो हम उसका आधा ही मुखड़ा पकड़ते हैं ताकि तबले के जो कलाकार हैं उनको रूपक का ही नगमा मिले। ये भी एक सोच गुरु से मिली है, तो ये बहुत बड़ी सोच होती है। और रूपक में एक बंदिश और तीन ताल में ट्रेडिशनल जो बंदिश है फयाज खान साहब की, वो बजाऊंगा। मोरे मंदिर अजहू नहीं आए, कामों से चूक भई मोरी सजनी, बहुत फेमस बंदिश है। और गाने लगेंगे, आप जब मैं बजाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो राग जयजयवंती आपकी सेवा में प्रस्तुत है। उपस्थित सभी गुणीजनों से हम आशीर्वाद चाहते हैं। आनंद बदामीकर दादा भी आए हुए हैं, मुझे 1980 से अर्ली ईयर्स से जानते हैं, मेरे गुरु जी के साथ बजाए हुए हैं और वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करिए। सोलापुर में सबसे पहला मेरा कार्यक्रम, मेरा और अनिंदोदा का, इन्होंने किया था, मुझे याद है, उसमें इनका सोलो था, अनिंदोदा मेरे साथ बजाए थे। तो ये सब यादें सोलापुर के साथ जुड़ी हुई है। और फिर मैंने भैया के साथ जो 1800, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1800 तबला पखावज में इन्होंने मेरा छोटा सा एक सोलो रखा था जो मैंने बड़ा कर लिया था। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये भैया का प्रेम है। तो चलिए अब राग की तरफ बढ़ते हैं।
Thank you.
कैसा राग है देखिए। Mm-hmm.
आज ही राजन भाई को हम लोग याद कर रहे थे, कैसा रे लगाते थे पंडित राजन मिश्रा, उनकी याद में ये रे लगाया मैंने। कैसे कलाकार कोविड में चले गए, जय जयवंती को साक्षात करते हुए देखा, उनकी याद में ये रे लगाया मैंने। कैसा रे है देखिए, न्यास से बढ़कर सुपर न्यास अगर बोले तो वो रे होता है जय जयवंती। महबूब स्वर बोलते हैं उसको, प्यारा
खंड का एक रूप देखिए। सात में पांच, फिर से Thank you.
Thank you.
तीन ताल। थैंक यू। मोरे मंदिर सुंदर है, सुनाऊं गा के। मोरे मंदिर जहो नहीं आए, मोरे मंदिर जहो नहीं आए, कामों से चोग भये मोरे सजनी, कामों से चोग भये मोरे सजनी, कामों से चोग भये मोरे सजनी, मोरे मंदिर जहो नहीं आए, मोरे मंदिर जहो। जब से गए कछु सुधावनी, जब से कौन सौतन बेल माए रे सजनी, कौन सौतन बेल माए रे सजनी, कौन सौतन बेल माए रे सजनी, मोरे मंदिर नीला तब मा पम ग म ग मरे गरे समोरे मंदिर, नव धानी सा नीला पम ग प ग मरे गरे समोरे
gaga mama gaga papa gaga dada gaga ni ni da mama gaga papa da ga ma rega ni sa ni sa rega da ni rega mama rega mama da ni ga ma da ni sa da ni rega ni sa ni sa da ni da mama rega ni sa ni sa rega re sa re ni sa rega re re ni sa ore mandira simple tan ki maza hi kuch alag hai simple fir se karta hu aaj samajh mein aa raha hai thoda janam bit gaya aa mama papa ka de
वाह वाह Thank you.
रुकिए, अभंग सुने बिना कैसे जाएंगे पुणे? क्या चाहते हैं आप? अरे मैं ऐसे चला जाऊं? हम आजाद हैं, हमको क्या है, हम तो आजाद हैं। चाहे अभंग बजाओ चाहे भजन बजाओ, आजाद भाई तैयार हैं। एक अभंग बजाने का मला असं वाटतं तुम्हाला माहिती आहे अभंग, माझे माहेर पंढरी। क्या बात आहे। याचा अभंगचा आधी जे आलाप आहे, आलापी म्हणतात, ते खूप फार इंटरेस्टिंग आहे। मला असं वाटतं की हे शुद्ध कल्याणचा आलाप आहे। शुद्ध कल्याण अभंगचं कंपोजिशन स्वरबद्ध केलेलं आहे। सरे ग पद स नि ध प म ग रे स नि ध स, फार सुंदर राग। आणि 5 मिनिटं माझ्याकडे आहे। बिलकुल वाजवा, नक्की वाजवा, आणि मलाही वाजू द्या। कमी करू नका। कभी सुना बजाने दे मोए अब घर जा, रंग रसिया ताना रंग अरे का पता सन रे सन दब मगर सजा ऐसी बंदिश।
माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, 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 कमाज
खूप धन्यवाद तुम्हाला आणि प्रेसिशनला. थँक्यू सो मच. रणुदा, मनापासून आभार. समस्त सोलापूरकरांच्या वतीने आभार, प्रेसिजनच्या वतीने आभार. आझादजी, तुमचे पण मनापासून आभार. आणि कल्पेशजी, मनापासून धन्यवाद. मित्र हो, प्रेसिजन फाउंडेशन आयोजित प्रेसिजन संगीत महोत्सवाचा 8वं वर्ष आत्ता या क्षणाला संपत आहे. पुन्हा पुढच्या वर्षी भेटूयात नवीन कलाकार, नवीन कलाप्रकार घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार. सर्वांचे आभार, समस्त रसिकांचे आभार, हुतात्मा स्मृती मंदिरच्या व्यवस्थापनाचे आभार, सोलापुरातल्या समस्त मीडियाचे, प्रसारमाध्यमांचे मनापासून आभार. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानून आपली रजा घेतो. शुभरात्री.